हे गाइस, मैं हूं गौतम और आज हम फाइनली चेक करने वाले हैं स्क्रीन प्रोटेक्टर वन प्लस नॉर्ड के लिए। तो मेरे पास चार स्क्रीन प्रोटेक्टर्स पड़े हैं मगर एक टाइम पे मैं एक ही स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज़ कर सकता हूं, तो इसलिए इस वीडियो में टाइम लग रहा था। एनीवेज, बिना और टाइम ख़राब करते हुए सीधा चेक करते हैं ग्लेज्ड इंक का रियल कर्व्ड ग्लास। मैंने ये स्क्रीन प्रोटेक्टर परचेज़ किया है 550 रुपये का। तो अब बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। और बॉक्स में हमें मिलता है स्क्रीन प्रोटेक्टर और कुछ भी नहीं क्या? तो यहाँ पे ना ही वेट या ड्राई वाइप्स हैं और ना ही डस्ट रिमूवल कार्ड है और ना ही कोई इंस्ट्रक्शन कार्ड है। तो 550 रुपये में हमें मिलता है सिर्फ स्क्रीन प्रोटेक्टर और कुछ भी नहीं। तो यहाँ 500 रुपये दे के भी फ़ोन को साफ़ करने का इंतज़ाम खुद ही करना पड़ेगा। कंपैरिजन के लिए मैंने एक 200 रुपये का टेम्पर्ड ग्लास भी परचेज़ किया था और आप देख सकते हो कि 200 रुपये के स्क्रीन प्रोटेक्टर में प्रॉपर बॉक्स और प्रॉपर सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इस स्क्रीन प्रोटेक्टर पे कैमरे के लिए होल्स भी नहीं मिलते हैं और मैं पर्सनली ये प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि स्क्रीन प्रोटेक्टर पे स्क्रैच पड़ने का चांस ज़्यादा होता है और एक बार अगर स्क्रैच पड़ गया कैमरे के आगे तो पूरा स्क्रीन प्रोटेक्टर ही उतारना पड़ता है। तो अब जो फ़ोन पे प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर था उसे उतार लेते हैं। तो ग्लेज्ड इंक के रियल कर्व ग्लास के साथ तो वाइप्स नहीं मिले हैं इसलिए अब मुझे खुद ही फ़ोन क्लीन करना पड़ेगा। तो फोन एकदम चमक गया है तो अब स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा लेते हैं। तो स्क्रीन प्रोटेक्टर लग गया है, अब इसको प्रॉपरली सेट कर लेते हैं। तो गाइज, मैंने काफ़ी ट्राई किया बबल्स निकालने का बट अभी भी काफ़ी बुरा लग रहा है। तो गाइज, मैंने काफ़ी ट्राई किया, इवन प्लास्टिक टूल यूज़ किया कपड़े में लपेट के, बट बबल्स निकालना बहुत ही मुश्किल था। और गाइस, जैसे ही मैंने साइड से बबल्स निकालने का ट्राई किया तो ये स्क्रीन प्रोटेक्टर क्रैक हो गया साइड से। तो ये है क्वालिटी इस 550 रुपये वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर की। तो गाइस, किसी की बातों में मत आना, चाहे कोई कितना भी प्रमोट करे और बताए कि ये स्क्रीन प्रोटेक्टर बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, दोस्तों मत लेना ये स्क्रीन प्रोटेक्टर। अभी तक का ये मेरा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस है स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने का। बहुत 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 ही घटिया स्क्रीन प्रोटेक्टर है ये। और गाइस, जैसे ही मैंने इसे उतारने की कोशिश की तो ये एकदम चूरा चूरा होने लग गया, छोटे छोटे ग्लास के पीसेस पूरे टेबल पे बिखर गए। तो आप देख ही सकते हो कि फ़ोन की स्क्रीन पे भी छोटे छोटे ग्लास के पीसेस हैं जो कि स्क्रीन को डैमेज कर सकते हैं। तो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था कुल मिला के, 100 रुपये की भी वर्थ नहीं है स्क्रीन प्रोटेक्टर की। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं कर सकता इस स्क्रीन प्रोटेक्टर को। तो गाइस, बस यही था इस वीडियो में। मैं और भी स्क्रीन प्रोटेक्टर्स ट्राई कर रहा हूँ और बहुत ही जल्द आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अपने अगले वीडियो में। तब तक एज ऑलवेज़ अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।